वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के किसानों को मिलेगा 1 लाख तक के ऋण माफी का लाभ। केंद्र उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के हित के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के लिए किसान कर्ज माफी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों के कर्ज को माफ करके उन्हें कर्ज से राहत दिलाई जाएगी। योजना के तहत केवल उन्हीं किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा जिनका नाम उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना सूची में दर्ज होगा। इस योजना के लिए जिन किसानों ने आवेदन किया है वे सूची में अपना नाम देख सकते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है भी या नहीं। आवेदक घर बैठे ही उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सूची में अपना नाम देख सकेंगे। कासगंज में बोले सीएम योगी, लता मंगेशकर के नाम से यूपी की फिल्म सिटी में खुलेगी एकेडमी। कासगंज के पटियाली में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान जनसभा के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले प्रदेश में गुंडा राज कायम था जिसके चलते पर्व त्योहार शांति से नहीं मना सकते थे, लेकिन 5 साल में सरकार ने कानून व्यवस्था कायम की। प्रदेश में नौजवानों को रोजगार मिला, प्रदेश के हर जनपद को पहचान मिली। आज बहन बेटी सब सुरक्षित हैं। पहले की सरकारों ने आतंकवादी हमले करने वालों के मुकदमे वापस लिए, लेकिन हमारी सरकार ने पहला काम अन्नदाता किसान के हित में किया। 84 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। अवैध बूचड़खाने बंद कराए, बेटियों को सुरक्षा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में मुख्य चौराहे का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी बनाई जा रही है जहां लता मंगेशकर के नाम से एकेडमी खोली जाएगी। यूपी स्वास्थ्य विभाग में नौकरियों की भरमार, पात्रता की जांच करके जल्द ही कर ले आवेदन प्रक्रिया पूरी। 20,000 से अधिक मिलेगी सैलरी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान भारत योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर भर्ती किए जाने के लिए आवेदन मंगाए। इस भर्ती के माध्यम से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4,000 खाली पदों को भरा जाएगा। योग्य उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जिसके बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। लखनऊ पीजीआई के मरीजों को मिलेगी राहत, जानिए दूसरे रोबोट से कब शुरू होगा ऑपरेशन। रोबोट से सटीक और सुरक्षित ऑपरेशन से पीजीआई में रोबोटिक सर्जरी की मांग बढ़ गई है। 100 से ज्यादा मरीज प्रतीक्षा सूची में हैं। शासन की मंजूरी मिलने के बाद संस्थान प्रशासन ने दूसरे रोबोट की खरीदारी की कार्यवाही शुरू कर दी। मई में दूसरे रोबोट से ऑपरेशन शुरू होंगे। संस्थान परिसर स्थित लाइब्रेरी के पास ऑपरेशन थिएटर बनकर तैयार है। पीडियाट्रिक सर्जरी समेत दूसरे विभाग के ऑपरेशन रोबोट से होंगे। हाल में 5 डॉक्टर कोच्चि से प्रशिक्षण ले चुके हैं। 2 दिन बंद रहेंगी शराब और बियर की दुकानें। सहारनपुर और बिजनौर समेत पश्चिमी यूपी के 9 जिलों में आज शनिवार शाम से अगले 2 दिनों तक शराब और बियर की दुकानें बंद रहेंगी। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान के दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को है। सरकारी आदेश के अनुसार मतदान वाले दिन से 48 घंटे पहले संबंधित जिलों में देसी और विदेशी शराब की दुकानें और बियर बार बंद रहेंगे। इसी के साथ ही होटल और रेस्टोरेंट जहां शराब और बियर मिलती है वहां भी इन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही भांग के छेके भी बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को है। इस दिन प्रदेश के 9 जिलों में मतदान होना है जिसके चलते इन जिलों में 12 फरवरी की शाम 6 बजे के बाद से 14 फरवरी की शाम मतदान संपन्न होने तक बंद रहेंगी। रोडवेज बसों में इलेक्ट्रॉनिक मशीन से टिकट। कार्ड से रोडवेज के टिकट भुगतान की व्यवस्था 22 फरवरी तक शुरू हो जाएगी। राजधानी लखनऊ और गाजियाबाद क्षेत्र की बसों के ट्रायल के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनें आ गई हैं। करीब 2,200 आधुनिक ईटीएम हैं। इसमें से 1,100 ईटीएम लखनऊ रीजन और शेष गाजियाबाद डिपो को भेजी जाएंगी। सोमवार को टिहरी कोठी स्थित मुख्यालय में बैठक के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। रोडवेज की बहुप्रतीक्षित कैशलेस टिकट व्यवस्था की साल भर से चल रही कवायद इसी माह पूरी होने के साथ ही फरवरी माह में ई टिकटिंग प्रणाली प्रारंभ हो जाएगी। दोनों रीजन में सफलतापूर्वक ट्रायल के बाद पूरे प्रदेश के सभी जिलों में इस व्यवस्था का आगाज हो जाएगा। होली से 1 महीने पहले तेजस और गोमती एक्सप्रेस में खुलेगा रिजर्वेशन। होली पर अपने घर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। लखनऊ मेल सहित कई ट्रेन में लंबी वेटिंग लिस्ट हो गई है। ऐसे में 1 महीने पहले गोमती एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस का रिजर्वेशन खुलेगा। होली पर दिल्ली से 15 मार्च से लखनऊ आने वाली ट्रेन में बहुत भीड़ है। लखनऊ मेल और एसी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन में 4 महीने पहले एडवांस रिजर्वेशन पीरियड की बुकिंग शुरू होते ही वेटिंग लिस्ट आ गई थी। नई दिल्ली से लखनऊ आने वाली लखनऊ मेल की स्लीपर क्लास में 15 मार्च को 42 वेटिंग, 16 को 99 और 17 को 66 वेटिंग लिस्ट चल रही है। शिक्षा मित्रों के लिए अखिलेश ने कही बड़ी बात, योगी ने युवाओं के लिए की बड़ी घोषणा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान गुरुवार 10 फरवरी को पूरा हो गया। 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है। इस बीच चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों ने एक बार फिर से मतदाताओं को लुभाने के लिए लुभावने वादे करना शुरू कर दिए। पहले चरण के चुनाव के बाद सपा और भाजपा ने युवाओं पर फोकस किया। इस ओर एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी युवाओं को लेकर बड़ी बात कही, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों को लेकर बड़ी घोषणा की। समाजवादी वचन पत्र में अखिलेश ने शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाए जाने का वादा किया। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा और शिक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए मुख्यमंत्री योगी ने यह घोषणा की है कि युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने के लिए विधानसभा क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण होगा। नितिन गडकरी का दावा, सीएम योगी ने यूपी में किया कानून का राज बहाल, फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। उत्तर प्रदेश में कानून का राज बहाल करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। इसके साथ उन्होंने शुक्रवार को दावा किया कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विकास कार्यों व गरीबों के कल्याण की दिशा में उठाए गए कदमों के लिए भाजपा को सकारात्मक जनादेश मिलेगा। इसके साथ केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि आदित्यनाथ एक बेहद ही सफल मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने कानून व व्यवस्था के मुद्दे पर अप्रत्याशित काम करते हुए उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का सफाया किया है। बिजली विभाग में 12वीं और ग्रेजुएशन पास के लिए बंपर नौकरियां। 12वीं और ग्रेजुएशन पास कर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने जूनियर इंजीनियर लैब असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है और लास्ट डेट नजदीक। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया वो UPRVUNL आधिकारिक वेबसाइट UPRVUNL.org के लिए 27 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि कुल 134 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योगी बोले, अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाला एक चौराहे का नाम लता मंगेशकर के नाम पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या में चौराहे का नाम लता मंगेशकर के नाम पर करना, मैं समझता हूं कि जो भी राम मंदिर के दर्शन के लिए आएगा वो यहीं से निकलेगा, तो लता मंगेशकर जी के भजन भी याद आएंगे और उनके लिए गर्व भी होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाले एक प्रमुख चौराहे का नाम भी भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर होना चाहिए। यह हमारा संकल्प है, हम इस रूप में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार, नसीहत देते हुए कहा राष्ट्रीय स्तर पर न फैलाएं। कर्नाटक के स्कूल व कॉलेजेस में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा कि उचित समय पर हम इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने अर्जी दाखिल करने वालों को नसीहत दी है कि वे इस मामले को ज्यादा बड़े लेवल पर न फैलाएं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले पर याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, जहां सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई होनी है। अदालत ने कहा कि सही समय पर वो इस मामले पर सुनवाई करेगी। साधु संतों ने लिया निर्णय, माघ मेले में 270 से अधिक साधु संतों को बसाने वाली आध्यात्मिक संस्था खाक चौक व्यवस्था समिति ने किसी महिला को महंत के रूप में स्वीकार न करने का निर्णय लिया गया। समिति की बैठक में तय हुआ कि किसी भी महिला साध्वी को उत्तराधिकारी के तौर पर महंत के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ब्रह्मलीन हुए कुछ संतों के उत्तराधिकारी के तौर पर महिला साध्वियों ने दावा जताया था। साथ ही त्रिवेणी बांध पर स्थित गायत्री यज्ञशाला को कब्जा मुक्त कराने के लिए धरना प्रदर्शन करने का भी निर्णय लिया गया। बृहस्पतिवार को अष्टावक्र शिविर में हुई खाक चौक व्यवस्था समिति की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। पूर्वांचल में विधानसभा चुनाव का केंद्र बना बनारस, भाजपा समेत अन्य दलों के दिग्गज डालेंगे डेरा। देश प्रदेश के सियासत में चर्चा में रहने वाली वाराणसी समेत पूर्वांचल की धरा इस बार भी 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को तैयार हैं। पूर्वांचल के जिलों में 6ठे और 7वें चरण में चुनाव हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार को हुआ। बढ़ते चुनावी चरणों के साथ ही चुनावी माहौल का चरम पूर्वांचल की ओर रुख कर लेगा। माना जा रहा है कि 6ठे चरण के चुनाव के साथ ही 26 फरवरी से 5 मार्च तक भाजपा सपा और कांग्रेस समेत अन्य दलों के दिग्गज नेता पूर्वांचल में ही डेरा डाले रहेंगे। इसे देखते हुए सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
सपा मुखिया अखिलेश यादव 17 फरवरी को साधेंगे मैनपुरी, एक दिन में करेंगे 4 जनसभाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैनपुरी की करह सीट से चुनावी मैदान में हैं। इस सीट के साथ ही वो जिले की 3 अन्य सीट पर भी सपा का परचम लहराना चाहते हैं। इसके लिए 17 फरवरी को अखिलेश यादव जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा कर मतदाताओं को साधेंगे। सपा ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले चरण के मतदान के साथ ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया। जिले की 4 सीट के लिए तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। मुलायम सिंह की कर्मभूमि करहल विधानसभा सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा का हाथी और सपा के गुंडे खा गए गरीबों का राशन। वजीरगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल हो या फिर उससे पहले और उसके बाद गरीबों को जो राशन मिल रहा है, बहरापन भाजपा सरकार ही नहीं उससे पहले की सरकारें भी दे सकती थी, मगर पहले की बसपा सरकार के हाथी का इतना बड़ा पेट था जिसकी वजह से गरीबों को राशन भत्ता ही नहीं मिला। दूसरी सपा की सरकार में भी गरीबों का राशन गुंडा और माफिया खा गए। बोले, कोरोना काल में आपकी मदद करने भाजपा के लोग भी आए थे और बाकी दिल्ली के 2 भाई बहन और बहन जी दिखाई नहीं दी। अखिलेश यादव तो आतंकवादियों को छुड़ाने का काम करते हैं। शुक्रवार को बदायूं जिले के वजीरगंज कटरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा आयोजित की गई। जल्द जारी होगा डिजिटल रुपए, जाने क्या खूबी, कैसे होगा भुगतान। पिछले वित्तीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय जनता को डिजिटल रुपए की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही थी, जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2023 तक डिजिटल मुद्रा को जारी कर दिया गया। ये डिजिटल रुपए पूरी तरह से आधिकारिक होगी और RBI द्वारा इसे जारी किया जाएगा। ये जानकारी सामने आने के बाद यूपी के डिजिटल पेमेंट ऐप का यूज करने वालों को राहत मिलेगी। यूजर्स का कहना है कि डिजिटल रुपए को आधिकारिक मान्यता मिलने के बाद काफी हद तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सुरक्षित व लेनदेन में राहत होगी। पीएम उम्मीद योजना, युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए मिलेगा लोन। पीएम उम्मीद योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को बैंक से सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं, लोन देने से लेकर बाजार से जोड़ने तक का मास्टर प्लान इस योजना के तहत तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार देश के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए अगले 5 सालों में 3 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। ये योजना वर्ष 2022 के अंत तक पूरे देश में लागू की जाएगी। ये 2025-26 तक 3 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी। जनधन खाता धारकों को मिलेगी 3,000 रुपए की पेंशन। केंद्र सरकार की ओर से किसानों सहित अन्य लोगों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना के तहत खाता खोलने की सुविधा दी जाती है। जनधन खाते का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आप सरकारी योजनाओं का फायदा आसानी से उठा सकते हैं। बता दें कि सरकार की ओर से जिन योजनाओं के तहत सीधा पैसा जनता के खाते में जमा किया जाता है, उन सभी योजनाओं का पैसा सबसे पहले जनधन खातों में ही ट्रांसफर किया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 14 अगस्त 2014 को मंजूर हुई थी और 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई। इस योजना के तहत देश का कोई भी व्यक्ति अपना खाता खुलवा सकता है। दिसंबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 0.4% की बढ़ोतरी, 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंची IIP की ग्रोथ। देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में दिसंबर 2021 में 0.4% की वृद्धि हुई। हालांकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ग्रोथ रेट 10 महीने के निचले स्तर पर रही। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO ने शुक्रवार को इसके आधिकारिक आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले नवंबर 2021 में IIP ग्रोथ रेट 1.3% रही थी। NSO की तरफ से जारी IIP आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रोडक्शन 0.1% गिर गया। वहीं माइनिंग सेक्टर का प्रोडक्शन 2.6% बढ़ गया, जबकि बिजली प्रोडक्शन में 2.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पेट्रोल डीजल कार है तो 2 स्टेप में लगवाएं इलेक्ट्रिक किट, नहीं तो सरकार कैंसिल करने जा रही है रजिस्ट्रेशन। देश भर में डीजल पेट्रोल पर निर्भरता और प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया जाना शामिल है। वहीं डीजल पेट्रोल इस्तेमाल कर रही पुरानी कारों को भी अब इलेक्ट्रिक किट लगाकर चलाया जा सकता है, अथवा आपकी गाड़ी कबाड़ी ही ले जाएगा, क्योंकि सरकार ने ऐसी पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का मूड बना लिया। आपको बताने जा रहे हैं ऐसी ही अच्छी और सरल बातें, जिन नियमों को जानकर आप आसानी से अपनी कार में डीजल पेट्रोल हटाकर इलेक्ट्रिक किट लगा सकते हैं। डीजल पेट्रोल कारों में इलेक्ट्रिक किट लगाने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन कन्वर्जन नीति लागू की जा रही है, जिसमें पेट्रोल डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में बदल दिया जाएगा। इसमें शुरुआत में ऐसी कारों को प्रमुखता से शामिल किया गया है जिनकी कार को प्रदूषण की वजह से दिल्ली से बाहर करने की योजना है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिनके पास 10 साल पुरानी डीजल कार या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार है। कारों को इलेक्ट्रिक में किया जाएगा कन्वर्ट। दिल्ली में इन कारों के रजिस्ट्रेशन सरकार ने कैंसिल कर दिए हैं।
पीएम किसान स्कीम के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, 31 मार्च तक कर लिए काम वरना नहीं आएगा पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में अगर आपने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपके लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम किसान स्कीम की 10वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया और 11वीं किस्त का पैसा भी जल्द ही खाते में आने वाला है, तो आप उससे पहले 31 मार्च तक एक जरूरी काम कर ले। आपको बता दें कि देश में कई अपात्र लोग इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं। इसके अलावा कई तरह के फ्रॉड सामने आने के बाद सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए कहा कि अब से जिन भी किसानों की EKYC होगी सिर्फ उन्हीं लोगों को इस स्कीम की अगली किस्त का पैसा मिलेगा। TRS ने पीएम मोदी के खिलाफ जारी किया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, संसद के अपमान का आरोप। तेलंगाना राष्ट्र समिति के 4 राज्यसभा सदस्यों ने राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू को एक नोटिस जारी किया। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से संसद को अपमानित और बदनाम करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की। TRS सांसदों के केशव राव, जे संतोष कुमार, बी लिंगैया यादव और KR सुरेश रेड्डी ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। यूपी में अगले 2 दिनों तक पड़ेगी भीषण ठंड और छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में भीषण ठंड पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश में कोल्ड डे कंडीशन रहने की संभावना जताई। यही नहीं, इस दौरान कोहरे का भी प्रकोप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक यूपी में सुबह शाम घना कोहरा छाया रहेगा। बारिश और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के चलते यूपी में सर्दी एक बार फिर से वापस लौट आई है। इस बीच राहत की बात यह है कि अगले 5 दिनों तक बारिश का कोई अनुमान नहीं। 15 फरवरी के बाद ठंड में कमी आ सकती है। उत्तर प्रदेश में बनेंगे 4 नए एक्सप्रेसवे, 1305 किलोमीटर लंबे रोड से करीब होंगे बिहार बंगाल। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने की योजना है। राज्य के पहले से ही कई एक्सप्रेसवे पर वाहनों का परिचालन हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। इन सभी हाई स्पीड रोड का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यूपी से पश्चिम बंगाल, बिहार और नेपाल जाना काफी आसान हो जाएगा। यूं तो इन सभी सड़कों पर सड़क मार्ग से जाने के लिए रोड है, लेकिन एक्सप्रेसवे के अभाव में आवागमन में काफी समय लग जाता है। इसके साथ ही प्रदेश की राजधानी लखनऊ से औद्योगिक नगरी कानपुर तक भी एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। आम बजट में उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे का प्रावधान होने के बाद इन परियोजनाओं पर जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।